ठीक है, हम लोग विश्वास करिए ना करें, होली स्पिरिट पार्ट टू का जो हमारा अध्ययन है उसे लेसन नंबर 8 के साथ खत्म कर रहे हैं, जो ये दर्शाता है। और बस कुछ ही समय के बाद हम आपको मौका देंगे जिससे हम कहते हैं कि आपकी योग्यता दिखाएं, और इसका दूसरा नाम है टेस्ट। और मैं चाहता हूं कि आप अपने उत्साह पर थोड़ा सा नियंत्रण करें, इस आनंद पर। ये तो बहुत जरूरी भाग है, लेकिन ये आसान है जैसे पहली परीक्षा आसान थी, ये भी बहुत ही आसान होगी। और फिर हम पार्ट 3 शुरू करेंगे। पता नहीं पार्ट 3 हम कब शुरू करेंगे, मैंने इसे अब तक नहीं देखा है ये स्केड्यूल। मैं जानता हूं अगले हफ्ते मैं चला जाऊंगा, अगले हफ्ते के बुधवार को जाऊंगा, और हम जा रहे हैं जर्मनी, इंग्लैंड, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका वापस आने के पहले। यानी अगर आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो हम उसकी सराहना करेंगे। ज्यादा प्रार्थना नहीं हुई है युगांडा और साउथ अफ्रीका के लिए, यानी खैर ये परीक्षा होगी और आप पास होंगे। ठीक है, हम यहाँ पर हैं होली स्पिरिट पार्ट 2 लेसन नंबर 8 में, और मैं 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद में इस पाठ में आगे बढ़ेंगे। पहला वचन हम पढ़ने वाले हैं वो है इफिसियों अध्याय 4, और हम शुरू करते हैं वचन नंबर 8 से। और वचन कहता है इस तरह से वचन कहता है कि जब वो ऊंचे पर उठाया गया, उसने बंधुओं को छुड़ाया और उसने मनुष्यों को वरदान दिए। वो उठाया गया और उठाए जाने के पहले वो तो नीचे आया, पृथ्वी के निचले भागों में गया, और जो उतरा वो उठाया भी गया ताकि वो सारी बातों के ऊपर में प्रभु हो जाए, सबसे ऊंचे पर हो। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके दिया, और कुछ को भविष्यवक्ता, और कुछ को प्रचारक, और कुछ को पास्टर, और कुछ शिक्षक दिए, संतों को सिद्ध करने के लिए कि सेवकाई के काम करें और मसीह की देह सिद्ध होती जाए, जिसके कारण हम विश्वास की एकता में आते हैं और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में आते हैं, सिद्ध मनुष्य होते और मसीह के डिलडौल में हम बढ़ते चले जाते हैं, कि इसके बाद में हम बालक न रहें कि हर सिद्धांत की लहरों से यहां वहां डगमगाते चले जाएं, और ना ही झूठ के द्वारा, ना ही धूर्तता के द्वारा किसी तरह से किसी के बहकावे में न आए, लेकिन सत्य को प्रेम से कहते चले जाए और उसमें हर बातों में बढ़ते चले जाए, जो कि सिर है, जो कि मसीह है। और फिर दूसरा वचन जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो रोमियो की किताब से, और देखिए रोमियो अध्याय 12 वचन 3 से शुरू करते हुए हम इन वचनों को पढ़ते हैं। और जो अनुग्रह मुझे दिया गया है उसके द्वारा जो अनुग्रह मुझे दिया गया है उसके द्वारा मैं कहता हूं कि तुम में से हर एक मनुष्य जैसे सोचना चाहिए उससे खुद के बारे में बड़ा न सोचे, लेकिन सही तरह से सोचे, जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास का नाप दिया है। क्योंकि हमारे शरीर के अंग तो अलग अलग है, लेकिन सभी का काम तो एक जैसे नहीं है। और हम बहुत हो के भी मसीह के देह के अंग है, जैसे कि सब अलग अलग अंग होते हैं। और जो अनुग्रह हमें दिया गया है उसके अनुसार अलग अलग वरदान भी हमें दिए गए हैं। जिसे भविष्यवाणी दी गई वो विश्वास के नाप के अनुसार भविष्यवाणी करते जाए, या सेवकाई तो वो सेवा का काम करते जाए, जो शिक्षक है वो सिखाते चले जाए, जो प्रोत्साहित करने वाला है प्रोत्साहित करते रहे, जो देने वाला है वो उदारता से देता चला जाए, और ईमानदारी से वो काम करे, जो दया करता है वो इसे पूरी तरह से करे। और खैर यहां पढ़ना रोक देते हैं यही, यानी इन पाठ में आत्मा के फल के साथ साथ जिसके बारे में हमने अध्ययन अभी खत्म किया है, और कैरिस्मैटिक वरदान जैसे हम उनकी पहचान करते हैं, अगले लेसन में हम इसके बारे में देखेंगे। वचन में और 2 वरदानों की सूची दी गई है, यानी इस लेसन में हम एक छोटा सारांश देखेंगे इनमें से हर एक का, जो यहां पर वचन के इस भाग में दिया गया है। और इसलिए यहां इफिसियों में जो ये पत्री में जो सूची दी है उससे हम शुरू करते हैं, और हम यहां पर गौर करते हैं वचन नंबर 11 पर। और ये वचन जो हमने अभी पढ़े हैं
और यहां पर बाइबल इस तरह से कहते हैं कि वो यानी यीशु उसने कुछ दिए और वो मसीह की देह के बारे में कहता है, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को प्रचारक, तो कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त किए। अब हमने यहां शिक्षा देने के द्वारा, ये बांटने के द्वारा हम इस तरह से हम पहचान सकते हैं ये वरदान जो कि इफिसियों में बताए गए हैं, हम इन्हें पांच प्रकार की सेवकाई कहते हैं। और इन वरदानों के बारे में बहुत सी शिक्षा है जो कि मसीह के देह में बहुत आयत से बताई जा रही है। वो इस तरह से हाथ का उपयोग करते हैं और पांच उंगली के द्वारा इसे समझाते हैं, और मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता हूं। मैं बस चाहता हूं कि मैं संक्षिप्त में इसका सारांश बताना चाहता हूं और इसके महत्व को बताना चाहता हूं कि इसमें से जो कुछ कुछ हैं, आप में से कुछ हैं जो इस काम में हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको कहा, इसे पांच प्रकार की सेवकाई के वरदान के रूप में जाना जाता है। ये काम के वरदान सामान्य रूप में वचन भी इन्हें इसी तरह से नहीं बताता है। ये तो देखिए ऐसी ऐसी बात है जो हमने खुद इसके बारे में बनाई है, लेकिन सामान्य रूप में तो ये जो इनमें से हर एक वरदान है, यदि यदि हम इसके स्रोत के और वापस जाए तो देखेंगे यीशु बस यही कहता है, इसमें से हर एक का विवरण देता है। सच में वो एक प्रेरित था, सच में वो भविष्यवक्ता था, सच में वो एक प्रचारक था, सच में वो एक पास्टर था और सच में शिक्षक भी था। यानी इस तरह से यीशु की जो पूरी सेवकाई है, इसमें से हर एक वरदान जो है वो तो उसके द्वारा प्रकट होते गए पूरी तरह सिद्धता में। और हम तो यहाँ पर इनमें से हर एक जो वरदान है, ये जो काम है, उसके बारे में अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं यीशु के जीवन का अध्ययन करने से। और ये तो सच में अद्भुत है कि ये कैसे है। ये तो इतना सरल है, लेकिन फिर भी हम इस पर लड़खड़ाते हैं और किसी और चीज के साथ में आना चाहते हैं जो जो इसके बजाय कि उसके साथ पहचान करे। ये सब यानी आत्मा का फल, आत्मा के वरदान और सेवकाई के वरदान, प्रेरणा के वरदान, ये सब जो है वो तो यीशु के जीवन में थे। यदि हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सुधार लाएं, इनके प्रकटीकरण को देखना चाहते हैं, तो यीशु के जीवन का अध्ययन करें, देखें कैसे काम करता है। लेकिन अब देखिए, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर जानता था कि उन्हें जरूरी है कि किसी तरह की अगुवाई उनके ऊपर हो। उसके लोगों में, पुराने नियम में ये तो इसराइली लोग थे और नए नियम में ये चर्च है। यानी पुराने और नए नियम दोनों में परमेश्वर क्रम का परमेश्वर है और वो लोगों को वहां पर अधिकार में रखता है। और ये इस तरह से है कि ये सब एक साथ बह सके और इसके साथ में कोई गड़बड़ी ना हो, हम एक साथ मिलकर काम कर सके। और मुझे याद है, बहुत साल पहले की तो बात नहीं है, वहां तो इसके बारे में बहुत ही कम था जब बताया गया था, इन पांच प्रकार की सेवकाई के बारे में जो यहाँ इफिसियों 4:11 में बताई है। अक्सर तो वहां पर प्रेरितों के बारे में बताया जाता था या भविष्यवक्ता और फिर सुसमाचार। खैर, हमने प्रचारक और पास्टर के बारे में तो सुना ही है और कभी कभार शिक्षक पर, लेकिन प्रेरित और भविष्यवक्ता के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुआ करती थी। और फिर 60 के दशक के अंत में और कहिए 70 के दशक के शुरुआत में वहां पर मानो एक चलन थी, वो चलन शुरू हुई। और मैं शब्द से सच में नफरत करता हूं, या कहिए कि जागृति अच्छा शब्द होगा, ये जागृति मसीह की देह में वहां पर आने लगी। परमेश्वर ने अपना काम पूरा नहीं किया था, अपनी इच्छा कि कलीसिया में ये जो काम है, ये जो है, ये पूरा नहीं किया था। और यही तो बात है कि उन्होंने इसकी जरूरत वहां पर महसूस की थी, क्योंकि ये यही तो उसका उद्देश्य था इस वरदान का। और ये यहां पर पाया जाता है 12:13 में, ये जो लोग हैं ये मसीह के देह में भेजे गए एक उद्देश्य के लिए। और ये जो उद्देश्य था, ये था कि संतों को सिद्ध करें सेवकाई के काम के लिए। और अगर आप इस वचन पर थोड़ा होमवर्क करें तो आप जानेंगे ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है जो उन लोगों को जो वहां आते हैं उनको तैयार करती है उस एक ड्यूटी के लिए जो उन्हें आगे जाकर दी जाएगी। और इसलिए ये जो है ये विश्वासियों को तैयार करने के लिए है, किस लिए, कि वो सेवकाई के काम कर सके।
और ये आगे स्तर से कहता है कि केवल उन्हें सेवकाई के कामों के लिए तैयार करना नहीं है, लेकिन उसके साथ ही मसीह की देह जो है वो उन्नति पाए, वो बढ़ती जाए, उन्नति पाए। और कितने समय तक उन्हें वहां पर काम करते जाना है। वचन 13 देखिए, जब तक कि हम विश्वास की एकता में ना आए और उस ज्ञान को न पाए, परमेश्वर के पुत्र को ज्ञान को न पाए और पूरी तरह से उसके डिलडोल में न बढ़ जाए कि हम अब से बालक न रहे कि हर सिद्धांत के लहरों से डगमगाए। कितने लोग जानते हैं कि हम वहां नहीं पहुंचे हैं, और जबकि हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं इसका मतलब वहां पर एक जरूरत है कि ये वरदान या कहिए जो काम कि ये मसीह की देह में हो, और इन्हें पहचानना जरूरी है, लेकिन साथ ही जरूरी है कि ये बहुत ही व्यवहारिक हो। और आशा करता हूं कि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपको क्या कह रहा हूं। यहां पर देखिए मुख्य बात तो यह है, वचन स्पष्ट कहता है कि वो उन्हें मसीह की देह में रखता है, और जब वो मसीह की देह के बारे में कह रहा है तो उन सब के बारे में कहता है, हर एक व्यक्ति जो सच में नया जन पाया परमेश्वर की संतान है, और इसी से वो मसीह की देह में होती हैं, जिसके कारण कलीसिया बनती है, अगर हम इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं, यानी पूरे संसार की कलीसिया, जो दूसरे शब्दों में पूरे संसार की कलीसिया, ये तो उन्हीं से बनी है जिन्होंने नया जन पाया है, और कलीसिया जो परिपूर्ण रूप में है उसे ही तो मसीह की देह के रूप में जाना जाता है। और हम देखते हैं लोकल सभाएं जो कि वहां उसमें कैसे उसके स्वभाव का परिपूर्णता होती है, लेकिन हमें ये देखना है यहां पर वो क्या कह रहा है। यहां पर इन वरदानों में वो देह को एक बड़े रूप में दी गई है, जरूरी नहीं कि पूरी सभा में किसी एक व्यक्ति को ही दी जाए, और इसका उद्देश्य यही है कि आपको और मुझे विश्वासी के नाते ये तैयार करें कि बाहर जाकर ये सेवकाई के काम कर सकें। अब काफी समय तक ये वचन जो है इन वचनों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, इसकी ओर अनदेखा किया गया, बस प्रेरित भविष्यवक्ता और कई बार पास्टर की ओर ध्यान दिया गया। लेकिन देखिए इस तरह से इसका विभाजन ये नहीं हुआ कि इन सब की जरूरत केवल इतने ही समय तक के लिए है और बाकी जो है उसकी ज्यादा समय तक जरूरत होगी, ये कहता है इन सभी की जरूरत है कि ये संतों को विश्वासियों को तैयार करे कि वो सेवकाई के काम कर सके। अब जिस युग में मैं बढ़ा हूं वहां पर ऐसी मनोदशा थी कि केवल वही जो सेवक है केवल वही सेवकाई कर सकते हैं, और हमारे उस बंद वातावरण में खास करके केवल पास्टर ही होते थे और प्रचारक हुआ करते थे, और उसमें हम जोड़ते थे मिशनरी को साथ में, केवल वहीं जाकर सेवकाई का काम किया करते थे, और बाकी हम सब लोग हम बस वहां पर आते थे, अपनी उपस्थिति दर्शाते थे और अपना जो पैसा ऑफरिंग प्लेट में डालते थे, कुर्सियां गर्म रखते थे, और बस इसी रवैये के कारण कलीसिया में जो कुर्सियां थी उन्हें उन्होंने प्यू कहना शुरू किया। और आप में से कुछ लोग आज दोपहर के समय सोच रहे होंगे सच में बहुत ही अजीब है, और फिर लेकिन सामान्य रूप में बस यही तो हुआ, और मैं विश्वास करता हूं ये तो शैतान की अलौकिक योजना थी कि वो वहां पर आया और सामान्य रूप में मसीह की देह के 95% लोगों को वहां पर बेअसर कर दे। और फिर उसने क्या किया, यहां पर हम बस केवल इतने ही कम लोगों के ऊपर में गौर करते हैं, और फिर और पुराने जमाने के कुछ धार्मिक विचारधारा वाले लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दौड़े, और फिर अचानक वह ऐसे विचार ऐसे शब्दों के साथ में आया, शायद आपने सुना, यानी वहां पर कुछ लोग जो याजक थे और वहां पर कुछ लोग जो विश्वासी थे, और ये दोनों कभी मिलने नहीं चाहिए। और इसके परिणाम में देखिए जो मसीह की देह है उसमें से लगभग 95% तो बस पूरी तरह से कुछ भी नहीं करते हैं, और बाकी जो 5% है वो जिम्मेदार है कि वो सब कुछ कर ले। और ये ऐसी परंपरा थी जो हमने देखी, कई साल तक हमने देखी, और फिर चाहे जो भी कारणों में ये विश्वास करता हूं, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के मार्गदर्शन में उसने कुछ लोगों के कंधों पर हाथ रखकर कहा कि इसके बारे में क्या, तो फिर वो जानकारी लेने लगे, और फिर उन्होंने जाना कि आप जानते हैं कि हम सब लोग सेवकाई के काम करने के लिए तैयार किए गए हैं, हम विश्वास की एकता में नहीं आए हैं, मसीह के डिलडोल में पूरी तरह से हम लोग नहीं बढ़े हैं, फिर भी हमें जरूरत है प्रेरित भविष्यवक्ता प्रचारक पास्टर और शिक्षक की। और फिर अचानक हमने इस पर चर्चा सुननी शुरू की, प्रेरित भविष्यवक्ता प्रचारक पास्टर और शिक्षक के बारे में,
और फिर हम इस बात के लिए जाग गए और हमने देखा कि उनका उद्देश्य है कि सारे विश्वासियों को तैयार करें सेवकाई के कामों के लिए। और फिर क्या हुआ, इसके कारण लोगों ने जो अपनी दृष्टि है वो केवल लगाए प्रेरित भविष्यवक्ता प्रचारक पास्टर और शिक्षक पर, और उसके बाद में वो सुपर डुपर हो गए मसीह की देह में और वो करने लगे जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। और बाकी जो मसीह की देह थी बस इस सभा से उस सभा में गई, ऊ आ करते हुए वो सुपर डुपर क्या कर रहे थे वो देखने लगी। और फिर एक बार हम यहां पर जानने लगे कि ये जो पांच प्रकार की सेवकाई वो क्या काम की है, लेकिन उनके उद्देश्यों को नहीं पहचानने लगे। और इसलिए जिन्होंने ये महसूस किया कि वो इन पांच प्रकार के सेवकाई में से एक काम के लिए बुलाए गए हैं, फिर वो लोगों को आकर्षित करने लगे खुद की ओर कि वो आकर ऊ आ करे उनके वरदानों को देखकर। ओह, ये प्रेरित हमारे शहर में आए हैं, हमें भागकर जाना है, देखना होगा इस प्रेरित को। और फिर ओह, ये भविष्यवक्ता हमारे शहर में आए हैं, चलो जाते हैं और उस भविष्यवक्ता को हम देखते हैं और इस भविष्यवक्ता को सुनते हैं और वाह। और फिर अचानक सभी लोग प्रेरित भविष्यवक्ता प्रचारक पास्टर और शिक्षक होना चाहते थे और आप उन्हें पहचान सकते थे उनके विजिटिंग कार्ड को देखते ही। और बड़ी खुशी से अपना विजिटिंग कार्ड देखकर वो कहते हैं कि हाँ वो कौन हैं। और खैर, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इस समय में आ रहे हैं जहां पर हम इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ मसीह की देह में हमें इन वरदानों की जरूरत है, लेकिन अब हम उनके उद्देश्यों को भी जानने लग गए हैं। और इसलिए बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताऊंगा कि प्रेरित कौन है। प्रेरित तो वो व्यक्ति है जिसे भेजा गया है। खास करके उनका उपयोग होता है कि वो जाकर कहीं पर जाकर सेवकाई को शुरुआत करने वाले हो जाएं। कितने लोग जानते हैं कि यीशु को भेजा गया और वो आया और वो उन बातों को स्थापित कर रहा था जब वो इस पृथ्वी पर था। और फिर उसके बाद में सबसे अच्छा नए नियम का उदाहरण है प्रेरित के लिए, और वो उदाहरण है प्रेरित पौलुस। और अवश्य हम उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसने यात्रा की थी और हम देखते हैं कि उसने कहां कहां यात्रा की थी। और फिर एक बार प्रेरित जो है वो मानो लगभग बिल्कुल वैसी है जिसे हम आधुनिक दिनों में मिशनरी के रूप में पहचानते हैं, और वो बिल्कुल लगभग एक समान है जिस काम के लिए उन्हें बुलाया गया था। लेकिन यहां पर यह एक ऐसी बात है जो फर्क लाती है। सच में बुलाया गया जो प्रेरित है वो मसीह की देह में स्वयं परमेश्वर उसे भेजता है, और उसका दिल तो यही होगा कि हम संतों को वो तैयार करें। हम बस जाकर ऊ और आ नहीं करते हैं इस प्रेरित के लिए, और हम तो सच में प्रेरित की जो सेवकाई है उसमें हम खुद को तैयार करते हैं। वो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम जाएं। वो हमें तैयार करेगा कि हम निश्चय उस काम को पूरा करें और निश्चय हम जाने वाले हो जाएं, कि हम स्थापित करें और हम परवाह करें उस प्रभु ने जो कुछ भी कहा है उसको। और यही तो कहता है, उसने मसीह की देह में हमें तैयार करने के लिए उसे भेजा है कि हम सेवकाई करें। या प्रेरित बस इसलिए भेजा गया है कि वो हमें योग्य बनाए कि हम प्रेरित के काम को करते चले जाएं, कि भेजा जाए और उस काम को पूरा करे। और निश्चय हम देखते हैं और हम देखते हैं प्रेरित पौलुस और उसकी सेवकाई कैसे वो जाता है, अपने संग लोगों को ले जाता है, कि वो जाकर कलीसिया स्थापित करता है, उनके साथ में संपर्क रखता है जिसे उसने स्थापित किया, और वो वहां पर उन लोगों की सेवकाई करता है। और उसके बाद में केवल इतना ही नहीं कि संतुष्ट हो, लेकिन वो और भी लोगों को भेजते रहता है। और फिर से एक बार ये नए नियम की कलीसिया का मिशन यही है, वो हमेशा यही है कि हम जाएं। और आधुनिक कलीसिया ने इसे पूरी तरह से बदल दिया और वो उनका लक्ष्य यही है कि वो आए। क्या आपने कभी गौर किया, आओ और हमारे साथ में रहो और यहीं पर रहना और कहीं जाने की हिम्मत नहीं करना, और अपने सारे दोस्तों को लाना, जबकि नए नियम का पूरा विचार कहता है कि जाओ। और ये सच में बड़ा आशीषित रहा कि हम संदेश सुने आर्थर ब्लेसेट का, जब वो कह रहे थे अपने संदेश में कि जाओ। और मैं सोच रहा था क्या मुझे वो संदेश सुनना चाहिए या नहीं। मैं सोचता हूं मेरे लिए ज्यादा दिन नहीं रहे कि मैं कहीं पर जा सकूं, लेकिन यही तो है जो परमेश्वर कहता है। और हमें यह समझना होगा कि जाने का मतलब यह नहीं कि हमें संसार के दूसरे कोने में जाना है। इसका अर्थ हो सकता है कि पड़ोस में जाएं, इसका अर्थ हो सकता है सड़क पार करें,
हो सकता है कि कमरे के उस पार जाएं। बस वो हमें यही यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमें पूरी तरह तैयार होना है और एक सच्चा प्रेरित है वो हमें प्रोत्साहित करेगा कि हम आगे बढ़े और हम जाते जाएं और लोगों को विश्वास में स्थापित करें और उन तक पहुंचे, उन लोगों तक जिन्हें जानना है। और फिर अवश्य ही भविष्यवक्ता, और निश्चय हम इसे देखेंगे जब हम आत्मा के वरदान देखेंगे और हम भविष्यवाणी के वरदान के बारे में देखेंगे। लेकिन हमें समझना होगा कि भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर की ओर से सुनता है और हम पर घोषित करता है कि परमेश्वर उस समय क्या कह रहा है। और क्या आप जानते हैं कि ये तो ये बताना नहीं कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे। बहुत से लोगों के दृष्टिकोण के विरुद्ध में है। जब भविष्यवक्ता आपसे कहता है तो आपको क्या करने के लिए तैयार करता है? वह आपको तैयार करता है कि आप परमेश्वर की सुने और परमेश्वर से जो सुना उसकी घोषणा करते जाएं। हमें जरूरी नहीं कि इस और उस भविष्यवक्ता के पास में भागते हुए जाए और कहे मुझे वचन चाहिए, वचन चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो सच्चे भविष्यवाणी का जो वरदान है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और नए नियम के भविष्यवक्ता की तुलना पुराने नियम के भविष्यवक्ता के साथ मिन नहीं करनी चाहिए। हम तो रह रहे हैं बिल्कुल अलग युग में, हम जी रहे हैं नई वाचा में, और परमेश्वर ने कहा कि नई वाचा में हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की वाणी को सुन सकता है और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल सकता है, मार्गदर्शन पा सकता है। जरूरी नहीं कोई भविष्यवक्ता ही हो, यानी भविष्यवक्ता के पास में वो प्रेरणा के शब्द होंगे जो परमेश्वर चाहता है कि वो कहते जाए और जो उस शब्द को सुनते हैं वो उन्नति पाए, सांत्वना पाए। लेकिन इसके साथ में वो हमें सिखाएगा कि हम कैसे परमेश्वर के सुने और वो बताएं कि उन्नति दे, वहां पर शिक्षा दे और शांति देने वाले संदेश बताएं। वो हमें तैयार करेगा कि हम इस काम को पूरा करें, केवल इसलिए नहीं कि लोगों को अपने पास इकट्ठा करें। बहुत साल पहले की बात है और अभी से होकर बहुत साल बीत चुके हैं और वहां पर फिर से सच में कुछ हो रहा था। तरीका आया जहां पर मसीह के देह में यह तरीका आया जहां भविष्यवक्ता को बहुत ज्यादा उठाया गया, और ये ऐसी सेवकाई है जिसे इन दिनों में सभी को सुनना है और सब लोग खुद को भविष्यवक्ता घोषित करने लगे और ये भविष्यवक्ता तो बड़े लाभ में आए और वो ऊपर उभरने लगे, जबकि सच में वो जाकर कलीसिया में खड़े होते थे और पास्टर को सुधारते थे और इस तरह की बकवास वहां पर हो रही थी और वो खुद को भविष्यवक्ता कहते थे और सच में ये बेकार की बात थी। और एक बहुत ही विख्यात ऐसा समूह था, मैं उनकी जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, शायद आप उसे पहचानते होंगे। एक समूह जो एक शहर में उनका हेडक्वार्टर था, उनका बहुत ही सम्मान था और हर कोई उनके पीछे यहां वहां घूमता था, उनसे सुनना चाहता था। और फिर उनमें से एक मुख्य भविष्यवक्ता ऐसी शिक्षा लेकर आया जो कि सच में पूरी तरह से बेकार थी। यानी उस समय तो मेरे कलीसिया का एक आदमी, मैं उस समय पास्टर था, और वो इन सभी बातों में फंस गया और उन्होंने मुझे बताया कि भविष्यवक्ता एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं बस 60 किलोमीटर की दूरी पर और क्या मैं उनके साथ में जाऊंगा, और उन्होंने कहा अगर मैं दिलचस्पी नहीं लेता हूं तो मैं गलती कर रहा हूं। और मैं जानता था वो ऐसी जगह जहां पर स्टेक बहुत ही विख्यात है और मैं उसे लेना चाहता था, और मैं बताऊं मैं भविष्यवक्ता को सुनने के लिए नहीं गया था, बस वो कबाब खाने के लिए गया था। और खैर कुछ भी हो, पहले सेशन में वो खड़े हुए और बताने लगे कि क्या होगा जब उनके ये मुख्य भविष्यवक्ता अपनी बातों को लेकर आएंगे। देखिए उनका विवरण तो बस यही था, मसीह की देह में सबसे सामने रहने वाले भविष्यवक्ता है और पीछे रहने वाले भविष्यवक्ता है, और ये तो जो हिचकिचाहट की किताब है उसमें पाया जाता है। और उनका विवरण यही था कि जो सबसे सामने में खड़ा रहने वाला भविष्यवक्ता है वो तो मसीह की देह को परिपूर्णता में भविष्यवाणी देता है, लेकिन जो पीछे रहने वाला भविष्यवक्ता है उसके पास में ऐसी गहरी बातें हैं कि उसे तो सामने वाले भविष्यवक्ताओं के लिए कुछ भविष्यवाणी करनी है और फिर वो उसे लेकर बचाएंगे और उसे थोड़ा सा मिलाएंगे ताकि सामने के लोग उस भविष्यवाणी को समझ सके। तो फिर उन्होंने वहां पर पीछे रहने वाले भविष्यवक्ताओं को सामने आने दिया। और ये सारी बातें वहां पर होने लगी, ऐसे सब कुछ वो करने लगे। और उन्होंने कहा उत्साह की बात यह है कि आज दोपहर के समय सारे जो भविष्यवक्ता है वो एक कमरे में हो गए
और आप वहां पर हर एक कमरे में हर एक भविष्यवक्ता से जाकर मिल सकती हैं। आप हर एक से वचन ले, और ये 1 बजे शुरू होने वाला है। हम नहीं जानते हैं कि ये कब खत्म होगा। और जैसे हम उस मॉर्निंग सेशन से निकले, मेरे साथ के वो भाई बहुत उत्साहित थे, उन्होंने कहा, और मैंने कहा कि आप जानते हैं मैं भविष्यवक्ताओं पर इतना विश्वास नहीं करता। नहीं करते? मैंने कहा नहीं, यदि सच्चे भविष्यवक्ता होते, उन्हें पता होता प्रभु कब शुरू करेगा, तो ये भी जानते कि वो कब खत्म करेगा। क्या ये सही नहीं है? मतलब यदि वो जानते कि 1 बजे शुरू करेंगे, तो क्या पता नहीं चलेगा कब खत्म करेंगे? और ये सारी जो बेकार की बातें वहां पर मसीह की देह में हो रही थी इन भविष्यवक्ताओं को लेकर, और जब हम इसकी पूरी सरलता में यहां पर वापस आकर देखते हैं कि एक सच्चा जो भविष्यवक्ता है, यदि वो मसीह की देह में आकर हम जैसे लोगों के बीच में सेवकाई करता है और हमें तैयार करता है कि हम परमेश्वर से उन वचनों को सुनने वाले हो जाएं और उन्हें छुड़ाएं इस तरह से कि वो वहां पर उन लोगों को उन्नति दे, उनको बढ़ोतरी करे, उन्हें शांति दे, यानी हमें यहां पर प्रेरित चाहिए, हमें भविष्यवक्ता चाहिए, और फिर अवश्य ही हमें सुसमाचार प्रचारक चाहिए। और फिर यहां पर सुसमाचार के वरदान के बारे में क्या, हमने बस उसके लिए कहा कि बस वो ऐसा है जो बड़े क्रूसेड करता है, और हजारों लोग महान प्रचारक को सुनने के लिए जाते हैं, वहां पर उन अद्भुत वेदी के पुकारे को देखते हैं, जानते हैं परमेश्वर के लिए जो भी उपलब्ध है परमेश्वर उसका उपयोग करता है, लेकिन कितने जानते हैं ये उसका उद्देश्य नहीं है। सुसमाचार प्रचारक को इस काम के लिए बुलाया गया है कि वो लोगों के समूह में आए और हमें जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार करे। हेलो, क्या यहां पर ये इसी के बारे में कह रहा है? ये मसीह के देह में दिए गए हैं कि संतों को सेवकाई के काम के लिए तैयार करें, यानी प्रेरित हमें तैयार करेंगे कि हम प्रेरित के जैसे काम करें, भविष्यवक्ता हमें तैयार करेगा कि हम भविष्यवक्ता के जैसे काम करें, प्रचारक हमें तैयार करेगा कि हम प्रचारक के जैसे काम करते जाएं। वो आकर हमें यहां पर इन बातों को बताएगा, हमें सिखाएगा कि हम कैसे सुसमाचार प्रचार में प्रभावी हो सकते हैं। यही उसका उद्देश्य है। हमने इसे उल्टा कर लिया और इस तरह से कहते हैं, अब कहते एक ही प्रचारक है और सब उसी पर छोड़ देते हैं कि वो बड़े बड़े क्रूसेड करे और सभी लोगों को यीशु के पास में लेकर आए। और जैसे मैं कहता हूं, प्रभु का धन्यवाद उन सभी के लिए जो यीशु के पास में आए हैं उन सारी परिस्थितियों में। लेकिन देखिए, ये तो एक मनुष्य या एक सेवकाई नहीं है जो कि पूरे संसार को बदल सकती है। लेकिन जरा सोचिए, हम सब लोग अगर रेनेट बॉन्की के जैसे आग से भर जाएं और खोए हुए लोगों तक पहुंच जाए तो फिर क्या होगा? दूसरे शब्दों में, हम 1 से 200 में बहुगुणित हो सकते हैं यदि प्रचारक अपनी बुलाहट को सच में पूरा कर रहा है कि हम तैयार हो जाए, खुद आग से भर जाए और खोए हुए लोगों को प्रभु के लिए जीते। और परमेश्वर का बस यही उद्देश्य था कि वो हमें तैयार करें कि ये काम करें। और इनमें से हर एक सेवकाई के लिए हमने उसे मानो ऊंचे पर रख दिया और उसे सुपर डुपर बनाया है और बस उनके लिए आगे पीछे घूमते हैं। सुपर प्रेरित, सुपर भविष्यवक्ता और सुपर प्रचारक के लिए, और अपेक्षा करते हैं कि वो काम करे, जबकि सच में उनका काम है कि वो हमें तैयार करे कि ये काम हो जाए। और फिर सोचिए, क्या हम पास्टर के पास आते हैं? एक बार फिर देखिए, ऐसे लोग हैं, पूरे शहर में ऐसे लोग हैं जो यहां पर रविवार सुबह पुलपिट पर खड़े होते हैं और खुद को पास्टर कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो सच में बहुत ही कम ऐसे पास्टर हैं, क्योंकि सच्चे मसीह की देह में भेजे हुए जो पास्टर हैं वो दूसरे लोगों को तैयार करेंगे कि हमारे पास में ऐसा दिल हो, ऐसी दिलचस्पी हो कि हम भेड़ों की परवाह करते रहें। देखिए कैसे बहुगुणित होते जाता है। लेकिन क्या होता है, हम एक व्यक्ति की ओर देखने लगते हैं कि बस पूरी भेड़ की देखभाल करे, जबकि ऐसा होना चाहिए कि वो भेड़ों को तैयार करे कि वो दूसरों की देखभाल करते जाएं। उन्हें तो हमें तैयार करना चाहिए कि हम लोगों तक पहुंचते जाएं, मसीह की देह में दूसरे लोगों की सेवा कर सके। आमेन। और फिर शिक्षक, हम आशीषित हैं सच में, हम यहां पर मसीह की देह में जो नियुक्त शिक्षक है उनके साथ में जुड़ते हैं, जो एक शिक्षक की भूमिका को पूरा कर रहे हैं और वो हमें शिक्षा देने के लिए तैयार कर रहे हैं।
और यही तो पूरा उद्देश्य है जो यहाँ पर स्कूल में हो रहा है, जो कि हम आपको बता रहे हैं दूसरा तिमोथी 2:2 से, कि वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने उनमें उंडेली है उसे लेकर ऐसे विश्वास योग्य स्त्री और पुरुषों को दे ताकि वो आगे बढ़कर दूसरों को सिखा सके। और यही तो बिल्कुल सही काम है, यही सही तरीका है, ये मसीह के देह में नियुक्त किए गए शिक्षकों का, कि हम बाकी लोगों को शिक्षा देने के योग्य बना सके। और जब हम देखते हैं इस पांच प्रकार की सेवकाई को और हम उन लोगों को पहचानना शुरू करते हैं जो वो लाते हैं उसके द्वारा, वो फल जो वो उत्पन्न करते हैं, और क्या वो हमें तैयार कर रहे हैं, क्या वो हमें योग्य बना रहे हैं कि हम बाहर जाकर सेवकाई का काम कर सकते हैं। परमेश्वर यही तो कह रहा है, मैं नहीं चाहता कि केवल एक ही व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हो, मैं चाहता हूं सब इसमें जुड़ जाएं। और इसलिए जैसे कि एक बुलाए गए सेवक के रूप में इस काम के लिए हम इस बात में दिलचस्पी लेते हैं कि आपको तैयार करें कि आप जाकर हमारे जो वरदान है उसे बहुगुणित करने वाले हो जाएं, और लोगों को केवल हमारे पास में जमा न करें कि ऊ और आकर के हमारे वरदान देखते जाएं। और जब ये सही तरीके से काम करता है तो बहुत ही अद्भुत है, और पूरी मसीह के देह पर इसका प्रभाव होता है, और देखिए पूरे संसार पर इसका प्रभाव होता है। वो आपको अपनी सीट पर से उठाकर इसमें जुड़ने लगा देते हैं, क्योंकि आपके पास में जगह है, आप तो सदस्य है मसीह की देह के, और हर एक अंग का अपना काम है, और ये केवल बैठना नहीं है और ऊ आर करना नहीं है, लेकिन देखा जाए तो अभी इस समय तक ज्यादा से ज्यादा सेवकाई जिन्हें हम जानते हैं वो बस यही टुकरते चले जा रही हैं, आकर तुम मुझे सुनो, आकर मेरी सेवकाई में बो, आकर मुझे दो ताकि मैं जाकर दूसरे लोगों को लेके आऊं ताकि वो मुझे सुन सके। लेकिन जब हम सही होते हैं तो सेवकाई के सारे वरदान जो है ये तो बस बांटते जाना है, ये हमें योग्य बनाता है कि हम जाकर दूसरों को बांटते जाएं, और ये केवल उनके बारे में नहीं होगा। क्या आप देख रहे हैं ये कैसे काम करना चाहिए? और ध्यान दे, ये परमेश्वर है, जैसे वो चाहता है वो उन्हें वहां पर रखता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन जाकर ये निर्णय लेते हैं कि मैं प्रेरित हो जाऊंगा, और हर एक व्यक्ति जो अपने आप को पहचानता है कि वो इनमें से एक सेवकाई के वरदान में है, मैं चाहता हूं आप मुझे बताइए, मुझे अपनी बुलाहट के बारे में बताइए, परमेश्वर ने आपको कैसे बुलाया। जानते हैं अगर वो सच में बुलाए गए हैं वो उत्साह से आपको बताएंगे कैसे प्रभु ने बुलाया है। और जानते हैं ऐसा नहीं होगा किसी डिनोमिनेशन ने उन्हें नियुक्त किया है, या किसी कमेटी ने उन्हें नियुक्त किया है, या फिर वो करिश्मा मैगजीन के पीछे के पन्ने पर जाकर ऑर्डर किए हैं। परमेश्वर मसीह के देह में उन्हें रखता है, और जब उन्हें रखता है तो उन्हें जानना है कि उन्हें रखा गया है। तो मैं उनसे पूछता हूं, प्रभु ने आपको कब नियुक्त किया? अपने अनुभव के बारे में बताइए, अपनी बुलाहट के बारे में बताइए। और सभी लोग जो हैं वो इन पांच के लिए नहीं बुलाए गए हैं, केवल कुछ ही हैं, लेकिन हम सब लोग इस काम के लिए बुलाए गए हैं कि हम इसे लेकर जाए जैसे ये पांच हमें तैयार करते हैं। आमेन। चलिए आगे बढ़ना है, और फिर अगली सूची जो हम देखते हैं जो पाई जाती है रोमियो अध्याय 12 में, और इसे कहा जाता है मनुष्यों के द्वारा, और मैं इसकी पहचान करवा के देना चाहता हूं, लेकिन इससे ये ऐसे वरदान हैं जिन्हें कहा जाता है बुनियादी या प्रोत्साहन के वरदान, और निश्चय इसका गलत उपयोग किया गया है, और बहुत से लोगों ने साइकोलॉजिकल एग्जाम तो दी है, और आपने ये जाना है कि आपके प्रोत्साहन के वरदान कौन से हैं। ओ यीशु। और हर एक विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को ये वरदान दिए गए हैं, जिसे मैं सामान्य रूप में बुनियादी ऐसे वरदान कहता हूं, क्योंकि ये तो ऐसे हैं जिसमें दूसरे अक्सर काम करते जाते हैं। हर एक व्यक्ति को इनमें से एक दिया गया है जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं। यहां पर 7 बताए गए हैं, और मसीह को इन सभी की जरूरत है ताकि परिपूर्णता को, कि यहां पर मसीह यीशु की जो देह है वो परिपूर्णता को पा सके। और आप देखेंगे कि ये सभी 7 आपके जीवन में काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से एक जो है जो सबसे ऊपर होता है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें काम करना बहुत ही आसान है, इसके बजाय कि आप इसको पहचानने लगे। आप नहीं देखते कि नए नियम की कलीसिया में वहां पर विश्वासी बैठकर कह रहे थे, हां तुम्हारा वरदान क्या है, क्या तुमने वो टेस्ट लिखी है,
क्या तुम जानती हो? नहीं, ऐसा है जो आपको काम करने लगाता है कि प्रोत्साहित करे और आगे बढ़कर वो कहता है कि कुछ कुछ को दिए गए हैं भविष्यवाणी की बातें, और ये क्या करती है, अलौकिक योग्यता है कि उद्देश्यों को वो पहचान ले। और आप में से कुछ ये ऐसा नहीं कि बस खड़े होकर भविष्यवाणी करे, ये ऐसे वरदान है जिसके कारण आप उद्देश्यों को जान सकते हैं, लोगों के उद्देश्यों को जानते हैं। कितने लोग जानते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। आप इसे क्यों करते हैं, और परमेश्वर जो है अलौकिक रूप में आप पर प्रकट करेगा कि उनका उद्देश्य क्या है। और यह तो मसीह की देह के लिए मानो एक सुरक्षा की बात है, लेकिन साथ ही मसीह की देह को प्रोत्साहित करती है, और इसके साथ ही सेवकाई। खैर, मैं आपको बताऊं, सेवकाई जो है ये तो बस सेवा करने के लिए एक शब्द है, और सेवा करना मतलब सेवकाई करना और मसीह की देह की जो व्यवहारिक जरूरत है उसे पूरा करना। आप जानते हैं, जब मैं पास्टर था वहां पर मेरे पास 2 या 3 लोग थे जो हर हफ्ते लगभग मेरे पास में आकर ये कहते थे कि हाँ, इसकी इसकी ये जरूरत है, उनके घर में या उनकी कार में इस तरह की समस्या है। और आप जानते हैं ये क्या है, ये तो सेवा करने का वरदान है, ये एक सेवकाई है और वो प्रकट होता है। मैंने ये नहीं कहा कि ओ मैं ये वरदान को जान गया हूं, हम इसे करेंगे। नहीं, देखिए, ये तो उनके अंदर की स्वाभाविक इच्छा थी जो अपने आप उनके अंदर से काम कर रही थी कि वो जाकर किसी की मदद कर सके, व्यवहारिक रूप में मदद कर सके। और फिर शिक्षा, अवश्य ये तो सत्य प्रकट करना है। और आप में से कितने लोग ऐसी जगह पर रहे हैं और आप वहां पर लोगों की सुनते हैं और आपके अंदर मानो कुछ उभर कर आता है और आप उन्हें वहां पर सत्य बताना चाहते हैं, और आप इसीलिए उन्हें बताना चाहते हैं क्योंकि आप सत्य बताना चाहते हैं। और फिर उसके बाद में प्रोत्साहित करना, लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं कि परमेश्वर के साथ आगे बढ़े, प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं तुम ये कर सकते हो, आगे बढ़ो, इसकी कोशिश करो और आगे बढ़ते जाओ। और फिर देखिए, ऐसे अचानक लोग होते हैं, और उसके बाद में देना, वाव, ये एक है जो देखिए इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि बस आप कुछ देखते हैं और आप देना चाहते हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं, और आप तो बस दूसरों को देने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन ये तो अलौकिक वरदान है, और मैं ऐसी सभाओं में गया हूं जहां ये देने का जो वरदान है सच में बहुत ही वहां पर प्रकट हुआ, और ये तो बहुत ही अद्भुत था। लेकिन फिर मैं ऐसी भी सभाओं में था जहां पर केवल ये उकसाना ही था। जानते हैं, इसमें बड़ा फर्क होता है। और फिर अधिकार करना, यानी ये तो ऐसे लोग हैं जो हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर लक्ष्य निश्चित करते हैं और इसे पूरा करना चाहते हैं। और यहीं पर आप इसे देखते हैं, जब भी हम किसी तरह का कोई प्रोग्राम आयोजित करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई कदम बढ़ाकर आता है, बताता है कि हम किस तरह से इसका आयोजन कर सकते हैं। ये क्या है, ये तो उनका वरदान है। और फिर दया, ये महसूस करने वाला है। मसीह की देह में हमेशा आप पहचान लेते हैं जब कभी कोई भी चोट खाता है और आप उनके पास में जाना चाहते हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं, और आप लोगों के दर्द को वहां पर महसूस करते हैं। और कुछ है जो आपको प्रोत्साहित करता है और आप उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, और ये तो बहुत ही सरल रूप में है। शायद आप कहें कि ये सभी साथ मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, और लेकिन इनमें भी एक ऐसा होगा जो सबसे बढ़कर होगा और जो आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जरूरी कि बहुत ही उलझा हो, बहुत ही गड़बड़ी वाला हो। और जानते हैं कि हमें बस केवल ये कहते चले जाना नहीं है, लेकिन हमें वचन में देखना है, और इन सारे टेस्ट में, इन साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आपके वरदान क्या हैं, जानते हैं। और बहुत से लोग इसे देखते होंगे, लेकिन मैं इसके अंदर कोई वचन का मूल्य नहीं देखता हूं। आप में से बहुत से लोग तो स्वाभाविक में जो है उसी के अनुसार चले जाते हैं, आत्मा में है वैसे नहीं। तो फिर चलिए जल्दी से देखिए योग्यता और वरदान, इन दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए यहां पर मत्ती 25 ये योग्यता के बारे में कहता है, और ये तो ऐसे योग्यता के वरदान है जो हमारे साथ जन्म से ही होते हैं। आप जानते हैं, कुछ लोग इस संसार में आते हैं जिनके पास में खेलकूद की योग्यता होती है, कुछ लोग इस संसार में आते हैं जिनके पास में संगीत की योग्यता होती है, और दूसरे लोग जो आप जानते हैं आपको कुछ भी ट्यून समझ में नहीं आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये ऐसी चीज है जो आपके पास में है, और निश्चय आपको इसके अंदर में उन्नति करते चले जाना है। और इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि सभी दासों ने अपने स्वामी की ओर से अलग अलग तोड़े प्राप्त किए,
वो उपयोग करने के द्वारा बढ़ते चले गए। हमें इन तोड़ों का उपयोग करते जाना है ताकि हम अपने मूल्य को बढ़ाते जाएं मसीह के देह में, और फिर ये वरदान है। ये वरदान भी हम में से हर एक को समान रूप में दिए गए हैं जब हमने नया जन्म प्राप्त किया। जैसे हम इस दृष्टांत में देखते हैं कि उन्हें सबको एक एक दिया गया, लेकिन उन्होंने उसके साथ क्या किया। जैसे हम परिपक्व होते हैं, मसीह की देह की जरूरत पूरी करते हैं, हमें इन वरदानों का उपयोग करते जाना है कि मसीह की देह बढ़ती जाए। और फिर अंतिम भाग है कि इसे नहीं जानते हैं, इसके कारण पाप है। अगर किसी के जीवन में पाप है तो वो इसे खो देता है, और इन बुनियादी वरदानों के साथ उसे जैसा जीना है वैसे नहीं जीता। और मसीह के देह में जुड़े नहीं होने के कारण, अगर कोई सदस्य मसीह के देह में जुड़ा हुआ नहीं है, यदि वो कलीसिया में जाकर नहीं जुड़ता है, तो मसीह के देह में अपनी जगह को नहीं जान पाता है। और फिर आखिरी है दूसरों के अनुसार करते जाना, किसी और के वरदान की नकल करना। इसके कारण आपके वरदान में उन्नति में रुकावट होती। आप बहुत ही अलग व्यक्ति है। व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, और अपने वरदान को आप बढ़ाते जाए, किसी की नकल करने की कोशिश मत कीजिए। आमेन। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।